अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैदान साफ है, आ जाइए। दादी सासी आ रही है। कली, एक चाय भिजवा देना मेरे कमरे में। जी दादी सासी। पीछे हटो। ये पर्दा इतना फूला हुआ क्यों है? क्या कर रही हो कली? बाथरूम में जाओ बेटा। दादी सास जी कहीं बाहर आई है। भाभी जल्दी से माँ जी के कमरे में जाते हैं। चलिए। हेलो। हाँ हम बस निकल ही रहे, तुम हमें घर के बाहर आकर के मिलो। देवरानी जी, लगता है चाची सासी कहीं बाहर जा रही है। हाँ भाभी, अब हम देख पा रहे हैं, दूरबीन की जरूरत नहीं है। भाभी आप ना बाहर से नजर रखिएगा, तब तक हम जाके अंदर बक्सा ढूंढते, ठीक है? हाँ। देवरानी जी जल्दी कीजिएगा। हाँ भाभी। देवरानी जी थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ भाभी, पर ढूंढ। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नानी जी के खत है तो माँ जी ने जरूर संभाल कर रखे होंगे। हाँ माँ, अलमीरा में देखते हैं। देवरानी जी, चाचा ससुर जी आ रहे, थोड़ा जल्दी कीजिए। कैसे भी करके बेल तो हो जानी चाहिए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। करिए क्या? चाचा ससुर जी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मेरा कमरा है, मुझे काम है, अंदर जाने दो। नहीं, हमने हमने ना वो कॉकरोच मारने वाला स्प्रे डाला है, तो अंदर ना बहुत बदबू हो रही है। आप थोड़ा 10 मिनट बाद आइए ना प्लीज। ठीक। वकील साहब, पक्का ये हमारा काम कर देगा? जी आप टेंशन मत लीजिए, इसकी ड्यूटी आज फिफी थाने में है, जहाँ पे दिव्यम है। ये आपका काम पक्का कर देगा। हाँ बस आप कीमत दे दीजिए। ये आधी कीमत है, बाकी बची आधी कीमत पूरा काम होने के बाद। बस उस हथियार से हमारे बेटे की उंगलियों के निशान मिट जाना चाहिए। हाँ लेकिन चाकू पर किसी की उंगली के निशान तो दिखाने पड़ेंगे ना। लेटर पे तो नानी जी के सिग्नेचर है, इसका मतलब ये उन्होंने ही लिखा है। माँ जी का वीडियो कॉल आ रहा है, तो माँ जी के अकाउंट में आप वीडियो कॉल कैसे उठाए? भगवान अब क्या करें हम? जी 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 माँ जी,
राधिका कहाँ हो तुम? घर, अपने घर पर हैं हम। तुम सच में दिव्यम को जेल से छुड़ाना चाहती हो? जी जी माँ जी। तो ठीक है, आज शाम को हमसे घर पर आकर मिलो। हाँ, जी जी। आपको दूसरे फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल जाएंगे। समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ जी ने हमें घर पर क्यों बुलाया। पर अच्छी बात तो ये है कि कम से कम उन्हें हमारी जरूरत पड़ी। सबसे पहले हमें इन खत की लिखावट मिलवानी होगी। ये खत पक्का उस कातिल ने ही लिखा होगा, बस ये जांच कर बता दे। तो क्या लगता है आपको, ये दोनों खत एक ही इंसान ने लिखे हैं या दो अलग अलग इंसान ने लिखे हैं? देखिए मैडम, 10 खत देखकर तो यही लगता है कि ये दोनों खत एक ही इंसान ने लिखे हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों खत एक ही इंसान कैसे लिख सकते हैं? उनकी तो मृत्यु हो चुकी है और ये दूसरा खत तो उनकी मौत के बाद लिखा गया है। देखिए 10 खत तो एक ही है, पर लिखने के तरीके में थोड़ा फर्क है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की लिखावट में थोड़ा अंतर आता है। तो मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि एक ही इंसान ने ये दोनों खत लिखे हैं, लेकिन 90% इंसान एक ही है। लेकिन 10% तो चांसेस है ना कि ये दोनों खत अलग अलग इंसानों ने लिखे हैं। हो सकता है मैडम। नानी की इतनी हूबहू नकल वही इंसान कर सकता है जो नानी के बहुत करीब हो और उनको बहुत अच्छे से जानता हो। जिसने भी ये प्लान किया है, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। क्या? हैंडराइटिंग पूरी तरह मैच कर गया? हाँ दरअसल मुझे बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। हमें लगता है जिस किसी ने भी ना नानी जी का कत्ल किया है वो उनकी बहुत ही करीब और खास है, और वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दें और आपको जेल से बाहर ना निकाल पाए। तरुण जी, अगर ऐसा हुआ ना तो ना आप जेल से बाहर आ पाएंगे और ना हम बच पाएंगे। राधिका, जिस किसी ने भी नानी का कत्ल किया ना वो बहुत ही शातिर इंसान लगता है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। तरुण जी एक सेकंड, हम ना आपके लिए क्रीम लेकर आए थे, क्रीम लगा देते हैं आपको आराम मिलेगा। राधिका नहीं, सूखे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तरुण जी जिद मत कीजिए, दिखाइए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। ये क्रीम से ना घाव सूख जाएगा तो आपको दर्द कम होगा। लैला मजनू, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चलो। तरुण जी, हमें ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए हमें रोटी का बड़ा टुकड़ा डालना ही पड़ेगा। राधिका, क्या हुआ तरुण जी? जी करम जी, जैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, हम चलते हैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।